दरभंगा की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकॉन ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। आज दरभंगा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का उद्भेदन कर लिया है। दिनांक 22/12/2020 को केवटी थाना क्षेत्र के खिरमा में मोटरसाइकिल चोरी की घटना घटी थी। उक्त संबंध में केवटी थाना कांड संख्या 197/20 दिनांक 22/12/2020 धारा 179 अंकित किया गया था। उक्त कांड में प्राप्त सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधी कर्मियों की पहचान की गई। गिरफ्तार अपराधी कर्मियों से पूछताछ करने पर दरभंगा अथवा मधुबनी और सीतामढ़ी जिला में सैकड़ों मोटरसाइकिल चोरी करने की बात स्वीकार की गई है तथा गिरफ्तार अपराधी कर्मियों के द्वारा यह बताया गया है कि इस कांड के फरार एवं गिरोह के मुख्य सरगना मोहम्मद चांद उर्फ इरफान, पिता हाजी हसनैन, खैरी बांका थाना बिस्पी औसी जिला दरभंगा का गिरोह का मुख्य संचालक है तथा इसका अंतर जिला तथा ही नहीं बल्कि अंतर राज्यों में भी इसका कई आपराधिक इतिहास पाया गया है। तत्पश्चात दिनांक 23/12/2020 को केवटी थाना के पुलिस एवं औसी ओपी के पुलिस के सहयोग से विशेष छापेमारी कर उक्त कांड में संलिप्त अंतर जिला मोटरसाइकिल चोर गिरोह संलिप्त अपराधी कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद अशफाक, पिता मोहम्मद सलालुद्दीन, दूसरा मोहम्मद चांद उम्र 18 वर्ष, पिता स्वर्गीय कैफ अहमद, तीसरा मोहम्मद मिराज उम्र 18 वर्ष, पिता मोहम्मद साकिर, चौथा फैजान उम्र 19 वर्ष, पिता मोहम्मद नौसाद, पांचवा साहिल, पिता मोहम्मद नियाज अहमद, सभी खैरी बांका थाना बिस्पी औसी जिला मधुबनी को गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों से बरामदगी की गई है। पहला अपाची मोटरसाइकिल उजला रंग का BR32M9239, दूसरा अपाची मोटरसाइकिल उजरा रंग का BR07W0638, तीसरा पैशन प्रो मोटरसाइकिल काला रंग का BR07X6228, डिस्कवर मोटरसाइकिल काला रंग का BR31S2817, मोबाइल फोन सिम सहित 3, मोटर चाबी 1, कैंची 1, प्राथमिकी केवटी थाना कांड संख्या 179/20 दिनांक 22/12/2020 धारा 379 दर्ज किया गया था।